अरे फोन ये देखना भाई, ये राधा को सामने मंदिर। भाई हम पहुंच चुके हैं उज्जैन जंक्शन, ट्रेन ने पहुंचा दिया हमें 10 मिनट पहले पहुंचा दिया। भाई ये बात तो ठीक बोली भाई आपने, पहली ट्रेन देखी है भाई ऐसी जिसने टाइम से पहले पहुंचाया है, लेकिन इसमें पानी तो आ नहीं जाता भाई। तो भाई मैं बताता हूँ कहाँ पे आए हैं हम। आ रहे भाई उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने, यहाँ से हमारा नेक्स्ट टारगेट है फिर विंडनोइज आ जाएगी। मैं हवा चल रही है, मौसम ठंडा सा हो रहा है। धर्मशाला वहाँ पर मैं फ्रेश होके दर्शन करने के लिए निकल जाएंगे, और जैसा होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा भाई अपने वीडियो में। तब यहाँ से चलते हैं, पता करते हैं कि भाई ऑटो वाले से धर्मशाला आपको रेलवे स्टेशन से ना निकलते यहाँ पे ऑटो वगैरह सब मिल जाएंगे खड़े हुए। देखो कितने सारे खड़े हुए हैं, भीड़ भी काफ़ी आ रही है भाई। तो ऑटो में बैठ चुके हैं, स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर है वहाँ पहले स्वर्ग मंदिर, तो उसी तरफ जा रहे हैं। एंट्री है, बाहर उतार देगा फोटो वाला, और यहाँ से शायद अंदर मंदिर है यार। अच्छे से तो हमको भी नहीं मालूम, हम भी पहली बार ही आए हैं और देखते हैं क्या रहता है भाई। कोई धर्मशाला तो ऑटो वाला दिलवा रहा, दिलवाई नहीं उसने, अब देखते हैं कोई यहाँ मिल जाए। मैं ना ये रूम मिल गया 200 रुपये में, मतलब 100 रुपये पर बंदा नहाने धोने के लिए आधे घंटे के लिए। ये हमें देखो सही रूम था, ठीक ठाक था, अपने नहा धो के फ्रेश हो गया आधे घंटे में, हम निकल रहे हैं यहाँ से दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर के। अरे आपसे मैं बाहर बाहर का बाहर होटल का नाम दिखा दूंगा, आप भी आओ तो यहाँ पे रुक सकते हो, ठीक ठाक अच्छा है, मतलब 100 रुपये में फ्रेश हो जाओ यहाँ पे और अपना निकल जाओ। तो चलो चलते हैं भाई, ये होटल में रुके हम, यहीं पे मेन मंदिर से ना राइट में गली जा रही है, तो वहाँ से राइट लेके सीधा आ जाना, और हाँ यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये, मतलब बस अपना रुकने के लिए ठीक है थोड़ी देर के लिए, और वैसे तो ज़्यादा खास नहीं होता। 100 रुपये में आपको फ्रेश होने के लिए मिल जाएगा, तो बहुत है भाई। ये राधा को सामने मंदिर, आप ऐसे देखो ये गली जा रही है होटल के लिए, यहाँ निकल जाना। कितने पैसे हैं मेरे पास ना? अरे ऐसे फोन पे कर देना। अरे फोन ये देखना जो मतलब सीधा हो। अरे एक सेकंड मैम, भाई लगवा लिया ये देखो पंडित, चप्पल वगैरह तो उतार दी यहाँ पे, अब प्रसाद वगैरह लेके अब जा रहे हैं आगे मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। भीड़ इतनी लग नहीं थी वैसे अंदर ना, मोबाइल वगैरह पर्स वगैरह लेके जाने देते हैं, कुछ मना नहीं है, बस मोबाइल वगैरह साइलेंट करके रखना तो कोई दिक्कत नहीं होती। पूरा सामने मंदिर भाई देखो, वन ऑफ दी ज्योतिर्लिंग भाई, भीड़ इतनी ज़्यादा है नहीं वैसे। हाँ तो कल देखेंगे फिर ना क्या करेंगे। अरे मुझे क्या पता था, मैं तो पहली बार ही आया हूँ यार। तो भाई जाए जा रहे हैं मंदिर की तरफ, इतनी भीड़ है देख लो भाई।
मेरे मंदिर वहीं पे अंदर हाँ लाइन में चलते रहो, मेरे को मालूम नहीं है भैया। तो भाई 1.5-2 घंटे का दर्शन होते हैं, लेकिन भीड़ बहुत थी भाई। यार क्या हो गया, चला थोड़ा सा, हम लोग भूख लग रही थी भाई खाने में, मतलब तो भूख लग रही थी, हम तो यही खाने लगे प्रसाद निकाल। लेकिन यार दर्शन को ना अच्छे से नहीं करने दिया यार, मतलब बाहर बाहर से ही देखो और जाओ, देखो और निकलो, ये थोड़ा मेरे को अजीब सा लगा। वहाँ से तो आ गए थे दर्शन करके, जो कि अच्छे से हुए नहीं। और ये अपना होटल जहाँ पर हमने फ्रेश हुए थे, और इसके सामने यहाँ पे रेस्टोरेंट है एक, ये वाला नंद फूड पार्सल, वहीं यहाँ पे हमने खाया इडली और फ्राइड राइस, काफ़ी अच्छा था। और बिल भी कितना आया, 160 रुपये आया। तो आप आओ तो यहाँ भी इसका ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा था। और चलो अब मैं आपको आगे का अपडेट देता हूँ। अब हमारा प्लान ना, अपना प्लान ना अब जाने का हो रहा है ओंकारेश्वर। अब टैक्सी से जाएंगे, अब देखते हैं यार, बातचीत करते हैं कौन सस्ता लेगा कौन ज़्यादा लेगा। अरे आ जाओ भाई, कहाँ रह गए, टैक्सी वाले से बात करनी है, धूप भी ज़्यादा हो गई, गर्मी लग रही है, क्या करें। चाहना बस तो सुबह जाती थी जो कि निकल चुकी है, पहले बस से जाने का प्लान था, लेकिन अब जाएंगे टैक्सी करके। तो प्लान कैंसिल हो गया जाने का वहाँ पर, और देख लेते हैं वहाँ पर जाने का प्लान कैंसिल हो गया, क्या बोलते हैं ओंकारेश्वर, ड्यू टू सम रीजंस, गर्मी भी बहुत है और थोड़ा बजट की दिक्कत हो रही थी। बजट की दिक्कत थी भाई यार, अरे क्या हो गया, आ जाओ मुँह क्यों बना रहे बंदा सा। तो अब कुछ होटल देख के यहाँ पर रेस्ट करेंगे, और कल फिर जल अभिषेक करेंगे यहाँ पे अपना माँ कालेश्वर पे। अभी चलो कोई रूम देख के रेस्ट करते हैं भाई, सस्ता सा कोई रूम मिल जाए तो सही है। आप भी आ रहे हो ना, तो भाई अपना ऑनलाइन बुक वगैरह करवा के आओ, क्योंकि यहाँ तो सब हमारे साथ परेशान हो जाओगे। तो देखो भाई क्या हालत हो रही है हमारी, इन भाई को देखो, ये भाई अपने माँ का भी सबसे रखते हैं। इतना ढूंढने के बाद ये रूम मिला है मस्त सा, अच्छा हमारा जैकपॉट लग गया भाई, देखो एसी वगैरह सब है, और क्या भाई जैकपॉट ही लगा, 1500 रुपये में मात्र मिल गया हमें पूरे 24 घंटे के लिए। इसका मैं वॉशरूम भी दिखाता हूँ आपको, एसी वगैरह सब है, देखो टीवी वगैरह सब है। इसका वॉशरूम भी देखो भाई कितना क्लीन है, अरे मेरी वीडियो आ गई भाई कच्चे में, कच्चे में वीडियो आ गई मेरी, हाँ वो कट कर दूँगा। तो देखो ए सी भी चल रहा है बढ़िया, और ये रूम है, यहाँ से दिखाता हूँ देखो।